दो चेले जा रहे थे गुरुजी के यहां से। सुबह सुबह का समय था। दोनों में से एक चेले ने कहा, देख वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर तोता बैठा है। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है। अपने गुरुजी ने कहा था, जब सुबह उठते से कहीं के लिए भी जाओ और तोते का दर्शन होता है तो खीर मीठा मिठाई खाने को मिलती है। आज तोते का दर्शन हुआ है तो मिठाई खाने को मिलेगी, खीर खाने को मिलेगी। दूसरे मित्र ने कहा, तू सही कह रहा है कि गुरुजी ने कहा था कि तोता दिखे सुबह तो खीर खाने को मिलती है, पर मैं कहता हूं कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। उसने कहा, ऐसा नहीं है, गुरुजी बोले हैं तो गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, खीर तो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो खीर जरूर मिलेगी। दोनों चले आगे बढ़े और एक यजमान मिले और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे यहां प्रसाद खाने चलिए, आज हमारे यहां चतुर्थी का उद्घाटन है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, देख ले मैंने तेरे से कहा था ना कि खीर खाने को मिलेगी, यजमान आ गया, चलो भोजन करने। और दोनों जब भोजन करने बैठे, पूरी सब्जी भुजिया सब आ गया, साथ में खीर भी आई, तो मित्र ने मित्र को कोनी मारकर कहा, देख ले खीर आ गई ना, गुरुजी ने कहा था तोता दिखता है तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन मिलता है। अब दोनों ने जैसे मुंह में खीर ली तो खीर इतनी कड़वी कि दोनों ने उठकर कुल्ला करा। मित्र ने मित्र से कहा, मित्र एक बात बता, अपने गुरुजी ने कहा था कि सूर्य तोता दिखे तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन खाने को मिलता है, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तूने कहा था कि कड़वी खीर मिलेगी, तू इतना विद्वान कैसे हो गया? उसने कहा, गुरुजी ने तोते को कहा था कि तोता दिखे तो मीठा भोजन मिलेगा, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था इसलिए मैं समझ गया कि खीर कड़वी मिलेगी। ये निश्चित था। गुरु एक ही है, चेले दो हैं। एक में विद्वत्ता इतनी थी कि तोता किस पेड़ पर बैठा है उसने वो देख लिया था, कह दिया था खीर कड़वी मिलेगी, और दूसरे ने देखकर कह दिया था कि खीर खाने को मीठी मिलेगी, क्योंकि गुरु ने उतना ही ज्ञान दिया था कि तोता दिखे तो समझ लेना कि खीर खाने को मिलेगी, पर गुरु जी ने ये नहीं बताया था। पर विद्वत्ता अपने भीतर होना चाहिए कि तोता किस जगह पर बैठा है। जैसे पहले आपको कहा कि मक्खी किराने की दुकान पर साबूदाने पर जाकर बैठ जाए, उसको तुल जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। मक्खी सब्जी के तराजू पर जाकर बैठ जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वो मक्खी अगर सोना तुल रहा है और सोने के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाएगी। ये बैठने की जगह पर मालूम पड़ता है कि वो बैठ कहां रही है, वो किस जगह पर बैठ रही है, किस स्थान पर बैठ रही है, किस जगह पर वो मक्खी बैठ रही है, ये उसके ऊपर निश्चित करता है। दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों एक गुरु के चेले, एक ही गुरु के। अब जरा विचार करिएगा, एक हार रहा है और एक जीत रहा है। कारण क्या है? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन भले एक गुरु के चेले हैं, पर अर्जुन ने बाल्य अवस्था से ही भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर रखी थी, इसलिए उसकी जीत निश्चित थी, इसलिए वो जीत रहा था और दुर्योधन हार रहा था। अर्जुन जीत रहा है, दुर्योधन हार रहा है, क्योंकि गुरु भले एक हो पर उसकी शरणागति का सुख, उसकी शरणागति का स्मरण किया है। क्यों कहते हैं आपको कि आप रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाया हो? किस लिए? यहां तक छुमा पुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से भी निकलकर चले जाओगे, शिव के द्वार से भी निकलकर चले जाओगे तो फिर किसी द्वार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधे शंकर की चौखट और वैकुंठ का द्वार ही मिलेगा। निश्चित है। दुख कितना भी हो, कितनी भी तकलीफ,
कितना भी कष्ट हो। एक पत्र आया, इस पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया बबीता देवी पता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद कल्की धाम से आई हैं। वहीं बैठी हूँ, तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ तक बैठी हूँ आती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। आपकी पहली कथा हमने हरिद्वार में सुनी। गुरु जी, शिव जी की कृपा का मैं क्या बखान करूँ। मेरे बेटे के हाथ में गांठ हो गई थी, गठान हो गई थी। हमें नहीं पता था चला कैसी गांठ थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया। गुरुजी, हमने ऑपरेशन को मना कर दिया। क्या पता ऑपरेशन के बाद में क्या क्या परेशानी उत्पन्न हो जाती। मेरे बेटे को मैंने शिवजी पर जल चढ़ाने का कह दिया और एक लोटा पानी चढ़ाने को रोज कहते। मैंने आपकी कथा हरिद्वार में सुनी थी और आपने बेटे से कहा कि एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू करो और जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाने के बाद बेलपत्र और जल का आचमन करना प्रारंभ करो। उस जल को गांठ पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, केवल 20 दिन निकले और बाबा की कृपा से मेरे बेटे के हाथ की गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धूप लगाने के लिए मुरादाबाद से आई। श्री शिवाय नमस्ते। हम बाबा बैठी है। हर हर महादेव। शिव तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। चटनी बहुत में खजाना को देखा। ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता, ये हमारा मन का भाव, ये हमारा विश्वास प्रबल है, हमारी दृढ़ता प्रबल। हम शिव भक्ति में लगे हैं, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हैं, हम भगवान शंकर की भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने में लगे हैं। फिर कहूंगा मैं आपको, आप मंदिर भी नहीं जा सकते भगवान शंकर के, तो उसके द्वार के सामने से निकल कर चले जाए। और यदि आपके घर से, आपकी दुकान से, आपके व्यापार वाली जगह से आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, मंदिर अगली गली में है और मौका मिल जाए कि हम मंदिर के द्वार तक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। उसमें भी आपका कल्याण निश्चित है, उसमें भी आपका कल्याण निश्चित है। आप उसका दर्शन करें। जितने व्रत, सारे वेद पुराण शास्त्र उठाकर देखिए, जितने व्रत आप करते हो, जितने व्रतों को आप धारण करते हो, जितना दान आप करते हो, जितना आप पुण्य करते हो, ये सारा दान, ये सारा पुण्य, ये सारा व्रत हो सकता है कि तुम्हारे मरते मरते तक, तुम्हारे प्राण छूटते छूटते तक ये सारा पुण्य समाप्त हो। प्राण छूटते छूटते तक हो सकता है हमारा पुण्य समाप्त हो जाए, क्योंकि रीत है 10,000 रुपए महीना कमाते हो और 10,000 रुपए महीना कमाने पर एक गैस की टंकी लिया 1,500 रुपए उसमें चले जाए, बिजली का बिल भर दिया 1,500 उसमें चले जाए, बच्चों की फीस भर दी 1,500 उसमें चले जाए, खाने का सामान लिया 1,500 उसमें चले जाए। 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, पर तुम्हारा खर्च भी तो देखो कि कितना हुआ, ऊपर से कर्जा बढ़ते गए, ऊपर से कर्जा बढ़ा। जरा विचार करिए कि 10,000 रुपए महीना हमने कमाया पर हमारा खर्चा कितना हुआ। उसी तरह शिवपुराण करती है कि तुमने दान करा पुण्य कमाया, व्रत करा पुण्य कमाया, तुमने कुछ अच्छा काम करा पुण्य कमाया, मंदिर गए पुण्य कमाया, तुमने दर्शन करे पुण्य कमाया, ये सारा पुण्य, तुमने भूखे को भोजन कराया पुण्य कमाया, पानी पिलाया पुण्य कमाया, कन्या दान करा पुण्य कमाया, गौ माता की सेवा करी पुण्य कमाया, तुमने पुण्य तो इकट्ठा करा। 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया तो सही, पर तुमने खर्चा भी देखो, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पुण्य कटने लगा, खर्चा तो ज्यादा, किसी को अपशब्द बोल दिए, झूठ बोल दिए, प्रपंच कर लिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कहीं कुछ कह दिया, ये हमारा पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले गया। मरने का समय आया तब तक पुण्य एकदम समाप्त हो गया। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा करा गया व्रत उपास दान पुण्य सब समाप्त हो सकता है, पर शंकर भगवान पर चढ़ाई हुई एक बेलपत्री और एक लोटे जल का पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। ये वो बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के जम के जरा बोलो जीवन के
बर्बाद भी है। ये वो बीमा है, एक बेलपत्र एक लोटा जल, ये वो बीमा है कि तुम्हारे जीवन के साथ भी चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी को संवारने का काम भी वही कर रहा है और अंत समय में भी वही संवार। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हे मेरे भोलेनाथ, अंतिम बिंदु में, अंतिम समय, अंतिम बिंदु में, अंतिम चरणों में आपका आना जरूरी है। कोई आएगा ना आएगा पर आप आ जाएगा। गुरु भले एक हो पर शरणागति किसके चरणों में है, शरणागति कहां है वो देखा जाता है। अभी आप लोग काशी में कथा सुनने के लिए आए हो और वो भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, पर एक बार हम कहें आपको, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कथा आप नहीं सुन रहे हो, कथा तो मेरे विश्वनाथ को सुनना थी इसलिए उन्होंने करा दी है। ये कथा तो मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर सुन रहे हैं इसलिए उन्होंने करा दी है। ये शिव कृपा, और किस नगरी में कथा सुन रहे हो, काशी जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, जितने भारत की भूमि के विद्वान से विद्वान, विद्वत से विद्वान, संत जितने भी हुए हैं, इस काशी की धरा, इस काशी की भूमि पर, इस काशी की धरा पर आकर उन्होंने विद्वत्ता को प्राप्त करा है और भगवान का साक्षात दर्शन किया है। यह कोई साधारण सी धरा नहीं है काशी। जरा विचार करिएगा, जितने सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा सा स्मरण करिएगा कि इंग्लैंड में 1811 में पहला स्कूल खुला था। कहां पर, जम के बोलो जरा सा, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में 1811 में, सन 1811 में पहला स्कूल खुला था। और जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, उस समय में भारत में 7,32,000 गुरु कुल थे। जरा विचार करिए, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुल रहा था तब 7,32,000 गुरुकुल इस भारत की भूमि पर, इस मातृभूमि पर, इस वसुंधरा पर 7,32,000 गुरुकुल उस समय पर मौजूद थे जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुल रहा था। इसीलिए इसको भारत माता कहते हैं। कभी तुमने सुना इंग्लैंड माता, हॉलैंड माता, कभी सुना हो, कभी किसी ने भूल से कह दिया हो कि नहीं साहब ये इंग्लैंड माता है, कभी किसी ने कह दिया, किसी कोई कहे ना कहे पर मेरी भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की देने वाली है इसलिए माता है। 1811 में पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला था, उस समय पर 7,32,000 गुरुकुल इस मातृभूमि पर, इस भारत की भूमि पर विराजमान थे, विराजमान थे। कल हमने अखबार में पढ़ा तो हमको बड़ा प्रसन्नता हुई और कई लोग कहते हैं आप व्यासपीठ से नेताओं के नाम मत लिया करो, पर कुछ अच्छा कर जाते हैं इसलिए बोलने में आ जाता है। कल हमने अखबार में पढ़ा, आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को अंग्रेजी की जगह हिंदी में करने का निर्णय ले लिया। पत्रकार महोदय भी बैठे हैं यहाँ पर, सभी को मेरा वंदन। अखबार में पढ़ा था, मालूम पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अमित शाह जी को जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई भारत की भूमि पर अगर हो तो हिंदी में हो, क्योंकि ये हमारे भारत की निशानी है, मस्तक पर बिंदी और मुख में हिंदी, मेरे भारती का प्रतीक, ये मेरे भारत का गौरव है, ये मेरे भारत का आनंद है कि मस्तक पर बिंदी हो और मुख में हिंदी हो, जिभ्या पर आपकी हिंदी हो, एक आनंद की अनुभूति करा देता। हम बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत साधुवाद।
ऐसा अच्छा कार्य करे तो उसके लिए ये आनंद था, क्योंकि भारत का गौरव ही है। 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, 7,32,000 गुरुकुल इस भारत की भूमि पर विराजमान थे, और 7,32,000 गुरुकुल में से आधे से ज्यादा गुरुकुल तो मेरे इस काशी में विराजमान थे। जरा विचार कर, काशी में विराजमान थे। अरे कहीं पर भी पूरे भारत की भूमि पर कोई भी गुरु अपने चेले का यज्ञोपवीत संस्कार कराता है तो चेला जब दौड़ कर जाता है, भाग कर जाता है और उसके मामा पकड़ कर लाते हैं तो उससे पूछते हैं कहाँ जा रहा है, तो मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आज भी यज्ञोपवीत का एक नियम है, मामा चाचा काका कोई फूफा उसको पकड़ कर लाता है, जीजा कोई पकड़ कर लाता है कि अपने साले को नहीं, साहब कहाँ जा रहे हैं, तो मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब जरा विचार करिए कि कितनी कितनी विद्वत्ता भरी होगी इस काशी की धरा पर। तो यहाँ काशी में निवास करने वाला एक रिक्शा चलाने वाला हो, साधारण से साधारण व्यक्ति हो और विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं कि आपकी साधुता को नमन करता हूं कि आप काशी में विराजमान हैं। विद्वान माला जाता, एक गुरु के चेले हैं दुर्योधन भी और एक गुरु के चेले हैं अर्जुन भी। बस उनकी विद्वत्ता का जो सुख है, उनकी विद्वत्ता का जो आनंद है, वो आप रूप शरणागति से प्रकट होता है। कि आप शरणागति क्या कर रहे हैं? आप अगर शिवजी के मंदिर रोज जा रहे हैं, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ा रहे हैं, आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें सुख क्या है? एक सुरेंद्र चौधरी दीवान मोहल्ला हमाम पर्तन सिटी, दीवान मोहल्ला हमाम पटना सिटी, पिन नंबर 800008, जिला पटना बिहार से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा, जो आते हैं पटना से आए हुए हैं सुरेंद्र चौधरी, इन्होंने पत्र में लिखा है। पहले तो पटना की भाषा में आपने भजन की लाइन लिखी है, हम सही पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए पर थोड़ा सा कर लेते हैं। छाला पड़ेला कांटा करेला, चलो पर भी जब पग ना उठेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, वह ऐसी महिमा तोहार हे भोलेनाथ। हाथी ना घोड़ा ना केव सवारी, पैदल ही आवड़ त्योहार दुवारी हे भोलेनाथ। आपने लिखा है प्रभु की महिमा का मैं क्या बखान करूं। इस गणेश चतुर्थी को हमारी पत्नी के मौसी जी के साथ एक ऐसी घटना घट गई कि उनके प्राण, उनके लीवर में स्टोन था, दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गए। सब रुवाई चालू हो गई, सब रोना चालू कर दिया। उस समय पर मेरी धर्म पत्नी भी वहीं पर विराजमान थी, उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुते हम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मौसी जी को होश आया और बाबा की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। ये शिव जी को मैं धोख लगाने आया हूँ। गुरुजी, रुद्राक्ष महापुराण की कथा में हम हमारी पत्नी के साथ 1 मार्च 2022 से पूरी कथा आपके यहाँ सीहोर सुने हैं, कुबेरेश्वर धाम में सुनी थी और बाबा से विनती करके आया था कि बाबा ऐसी सामर्थ्यता देना कि 1 मार्च महापुराण की कथा हम पटना बिहार में करवा सके। आज बाबा की कृपा से लगभग सभी व्यवस्था हो चुकी है, जगह की परेशानी थी, पटना जैसे शहर में बड़ा जगह कहाँ उपलब्ध हो एक बड़ी चुनौती थी, पर बाबा ने वो भी उपलब्ध करवा दी है। पटना के बेरिया इंटरनेशनल बस स्टैंड के पास ऐसी बड़ी जगह हमको उपलब्ध बाबा ने कराई है, जहां पर हम 10 लाख लोगों को भी कथा सुना सकते हैं, एक साथ बिठाकर कथा सुना सकते हैं। बाबा मैं पटना से काशी तक पैदल शिव महापुराण की कथा लेने आया हूं। आजाओ बाबू, जरा दौड़ के आ जाओ, आइए। एक दुपट्टा भी भेजा है, अगर आप धारण करेंगे आप ही पहना जाओ, आजाओ सामने से जाओ। पटना बिहार से मैं पैदल काशी की धरा पर कथा लेने के लिए बाबा को प्रणाम करने आया। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों के लिए। शंभु शरणे बलि मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी मैं दर्श आओ। शंभो शरणे करी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्श आओ। शिव कृपा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप
जिस भाव में भगवान शंकर को रिझाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है कि शिव आपके पास दौड़कर जरूर आएंगे, ये निश्चित था। कलिक माता जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरु जी आप जब भी मंत्र का जाप कराते हो, श्री शिवाय नमस्तु बुलवाते हो या कथा कहते हो, उस समय पर सबको कह देते हो कि नीचे बैठ जाओ, कारण क्या है? क्यों कहते हो कि जब कथा सुनो या मूल मंत्र का जाप करो तो नीचे बैठ जाओ, खड़े खड़े अगर मंत्र बोलेंगे तो असर नहीं करेगा? तो उनसे निवेदन है, यहाँ आप जाएं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए तो बहुत सारी छोटी छोटी इडली की दुकान, पोहे की दुकान बहुत सारी है, वहां पर जाकर देखना, उन्होंने पोहा बनाकर गरम भगोने पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब तक गरम पानी पे धरा रहेगा तब तक ये गरम की गरम, बोलो जम के बोलो, बना रहेगा। उसी तरह अगर उस पोहे की कढ़ाई को नीचे रख दो तो गर्म रहेगा क्या? नहीं, पर उस गर्म पानी के भगोने पर रखा तो वो गर्म की गर्म बना रहा। उसी तरह जब हम कहीं बैठते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तब तक हम परमात्मा के बने की बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नीचे बैठ कर कथा का अस्तित्व ग्रहण करें, नीचे। इसीलिए एक तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छटीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। आई आई कर रोइए, मतलब तो बाबा ने बुला लिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? पहले तो रोना बंद कर दो, शिव कृपा है इसको कहते हैं। पटना से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा लेने के लिए आपने एड्रेस बता दिया, मेरा विश्वनाथ जरूर पहुंचेगा और कथा करेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शिव कृपा उसकी उदार का बिना कुछ। कौन जाने था मेरे शिव? एक बार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु जी से कह दिया, भगवान नारायण से कहा कि मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि आप मेरे पिता हो, नारायण मेरे पिता हैं, पर मुझे यह नहीं मालूम कि नारायण के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये मुझे नहीं। आपके पिता कौन है आप बताएंगे? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, महादेव आपके पिता है? हाँ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यदि आपके पिता इस जगह पर अगर प्रकट होकर बोले कि मैं पिता हूं इनका तो तुम्हें मान। परीक्षा लो, पर एक निवेदन है, संत की, भगवंत की, भोले की, जो भोला मनुष्य होता है, भगवंत जो होता है भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, संत स्वभावी जो होता है, संत की, भगवंत की, भक्त की, भोले की, कभी परीक्षा में भगवान की कभी परीक्षा में, परीक्षा अगर लेना है तो संसार वासियों की लो, मना नहीं है, दुनिया में बहुत लोग बड़े हैं जिनकी परीक्षा ली जा सकती है, पर कोई भोला है, सरल सहज, जो कुछ जानता ही नहीं, उसकी परीक्षा चाहिए। ब्रह्मा जी जिनके
इतने मुख हैं और जिनसे वो वेद पढ़ा करते हैं, शास्त्र पढ़ा करते हैं, विद्वत्ता का बखान किया करते हैं, जिन ब्रह्मा जी के भीतर इतने वेद और पुराण, इतने शास्त्र, इतनी विद्वत्ता भरी होती है, वो ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपके पिता को यहां प्रकट होकर बताना पड़ेगा कि वो आपके पिता। भगवान विष्णु ने कहा, अगर पिता की परीक्षा अगर पुत्र लेता है तो वह पुत्र किसी काम का नहीं होता। घड़ी आप अपने हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हमारे हाथ में होती है, पर अच्छा और बुरा समय हमारे हाथ में नहीं होता। होता है क्या? घड़ी हाथ में होगी, घड़ी हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हाथ में पहन सकते हो, घड़ी को हाथ में रख सकते हो, घड़ी हाथ में है, पर समय हमारे हाथ में नहीं है। तब वो अच्छा समय देगा और कब बुरा समय देगा वो महादेव के हाथ में। तुम देख सकते हो, अभी ये बज रहा है, अभी दो बज गया, ढाई बज गया, कि तीन बज गया, कि चार बज गया, कि पांच बज गया, ये आपके अनुसार है। कि आप देख सकते हो कि ये समय हो रहा है, ये समय अभी चल रहा है, ये डेढ़ बजी है, दो बजा है, तीन बजी है, चार बजी है, ये आप देख सकते हो, घड़ी आपके हाथ में। पर समय मेरे महादेव के हाथ में है, इसलिए उन्होंने कालचक्र को अपने हाथ में रखा, इसलिए महादेव का एक नाम है महाकाल। काल को अपने हाथ में वश में कर रखा है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिन्होंने हाथ में अपने काल को, समय को बांध कर रखा है। घड़ी आप पहन लो, घड़ी आप रख लो हाथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समय अच्छा और बुरा लाना मेरे महादेव के हाथ में है। अगर ये घड़ी पहनने वाले हाथ से, ये हाथों से जिस पर हम घड़ी पहन रहे हैं, घड़ी धारण कर रहे हैं या घड़ी अपने हाथ में रख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि घड़ी तुम कितनी भी अच्छी वीआईपी ने, हीरे की ने, सोना की ने, चांदी की तुम कितनी भी पहन लो, पर समय बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, इसलिए इन घड़ी पहने हाथों से शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारा समय भी अच्छा लाता रहेगा, बदलता रहेगा, खुशियां देता रहेगा। समय वो लाता, समय वो बदल सकता है। एक बात पहले कही थी कथा में, आज फिर कह रहे हैं, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में, हलवा बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है हलवा बनाने में? हमने पहले भी कहा था, इसमें शक्कर इतनी जरूरी नहीं है, आटा इतना जरूरी नहीं है, घी इतना जरूरी नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पलटा। क्या बोलते हो उसको यहाँ वाराणसी में, यहाँ काशी में, पलटा जो चलाता है, वो पलटे का काम ही केवल इतना है कि नीचे से ऊपर कर देता है, ऊपर को नीचे कर देता है, और ये पलटा किसी देवता के पास नहीं है, ये पलटा मेरे महादेव के हाथ में है, वो कब नीचे से ऊपर पलट देता है और कब ऊपर से नीचे ले जाता है, ये वो करता है, ये उसके हाथ है, कब नीचे को ऊपर ला देता है, कब ऊपर को नीचे ला देता है। जैसे ही चावल, सब्जी, घी ऊपर आके फुदक फुदक करना चालू करती है, इतनी देर में हलवाई आके उसको नीचे से ऊपर कर देता, और जैसे ही वो नीचे गया तो तपने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु अपनी फुदकूंगा। बस यही भगवान का काम है क्या? यही भगवान का काम है, जो ज्यादा फुदकता है ना, भगवान उसको उठा के, भगवान का काम क्या? भगवान का काम इतना ही है, जो ज्यादा फुदके उसको ऊपर से लाओ नीचे, और नीचे तो जो नीचे तप रहे थे, बड़े कष्ट में थे, बहुत अग्नि में नीचे पड़े हुए थे, सारा की सारा आलू, सारा की सारा चावल नीचे पड़ा हुआ था, वो भी हाथ जोड़ रहा था, भोलेनाथ पलटा चला दो, भोलेनाथ पलटा चला दो, तब तक तपूंगा, कृपा कर दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला फुदकेगा वो नीचे जाएगा, और तू बहुत तप लिया है, अब तू ऊपर आएगा। तो कहते हैं लोग कि घोड़े के रेगन फिर जाते हैं, लोग कहते हैं कभी कभी तुमने देखा होगा कितना 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 कहीं कहीं कचरा पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, पर पलट दिया तुरंत। अगर हलवाई अच्छा है तो वो पलटे का प्रयोग कर पलट देता है। इतना बड़ा कॉरिडोर तुम देखना काशी में जो बनाया, क्या जोरदार बनाया, गंगा के घाट से लेके वहां तक, तो ये हलवाई अच्छा था,
अच्छी जगह का था तो उसने आते से ही देख लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पलट तो उन्हें लिया नीचे से आसपास साफ कर पूरा के पूरी भगोनी को साफ करके और पलटा जो नीचे का चलाया ना ऊपर सब फुदकना बंद और खीर तैयार और विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। क्या हलवाई अच्छा था तो अब वो ही हलवाई आज हमारी उज्जैन में गया है वही वही शिव कृपा कह रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे शिव महापुराण कथा कर रही है भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कर रहे हैं कि परीक्षा यहां भगवान शिव अगर प्रकट होकर बताएं कि मैं नारायण का पिता हूं तो तुम्हें मान भगवान विष्णु ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी आकर बोले कि ये मेरा पुत्र है मैं नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने कहा अगर हम शिवलिंग के निर्माण को करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण को अगर हम करेंगे तो यह निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमको होगा। यह निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का हमको दर्शन होगा। हमारा स्वरूप कैसा बनना है, हमारा स्वरूप कैसा धारण करना है, ये माता के गर्भ से निश्चित हो जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, जितने नवयुवक बेटा बेटी यहां बैठे हुए हैं और जितने युवान बहन भाई शास्त्रा चैनल पर और फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं वाराणसी काशी से विश्वनाथ बाबा की नगरी से ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है माँ और माला से जो जुड़ा रहता है उसका जिंदगी में कभी बाल बांका नहीं होता है। जितने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने जवान बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने बच्चे इस कथा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है और यहाँ बैठी हुई सारी बहुओं से माताओं से जितने भाई बंधु बैठे हैं उन सबसे निवेदन है जो माँ घर की माँ और हाथ की माला से जो जुड़ा रहता है जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, कभी नीचे नहीं जाता, ऊपर बढ़ते चले जाता। एक माँ जिस माता ने तुमको जन्म दिया है, जिस माता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता ने तुमको गोदी में खिलाया है, जिस माता की शरणागति में रहकर तुम चलना सीखे हो, जिस माता ने अपने हाथ से तुमको भोजन करना सिखाया है, वो माँ और जिस माला को गुरु ने पकड़ाया है, ये माँ और माला से जो जुड़ा रहता है वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। माला माल बनने की सबसे पहली लाइन है जब आप स्लेट पर कॉपी पर लिख के देखना, पहले आप लिखो माला माल तो पहला शब्द क्या है, पूरा शब्द बताओ। माला माल बनने में पहला शब्द लिखोगे तो क्या होगा, माला, फिर आया माल तो शुभ प्राण कृति है, माल के चक्कर में पड़े रहोगे तो माल कभी नहीं मिलेगा, माला को पहले पकड़ो तो पीछे लगा है माल अपने आप चलकर आएगा, तो माला माल बनने के लिए पहले माला का स्मरण तो करो। भगवान शिव हो गणदानी, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव से पिता का क्या करना, ब्रह्मा जी नहीं माने पहले, एक अग्नि का खंभ था, एक पर्वत था, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ किया महाराज, जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया तब एक खंभ जैसा स्वरूप प्रकट करता है अग्नि का, और अग्नि का खंभ अग्नि का एक लिंगायत स्वरूप एक लिंग प्रकट हो जाता है शिव का प्रतीक। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप भगवान विष्णु के पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई जनक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई उत्पत्ति करने वाला, संहार करने वाला, बनाने वाला
नष्ट करने वाला अगर कोई है तो भगवान शिव का वो लिंग स्वरूप कह रहा है वो मैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ये पिताजी प्रकट हुए या भगवान शिव प्रकट हुए या भगवान शंकर का ये शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका मुख सिर और चरण कहां? इसका चरण और सिर कहां? बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग काशी में आकर ये कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर या आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी बुद्धि में यह कभी मत लेकर आना कि भगवान शंकर का मुख कहां है, चरण कहां है, उनकी पीठ कहां है, उनका स्वरूप कहां है। माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है तब एक पिंड का स्वरूप रहता है और पिंड के स्वरूप के बाद में फिर उसका जो स्वरूप बनता है हाथ पैर मुख जो बना वो बाद में, पहले तो केवल एक पिंड का स्वरूप, केवल एक पिंड। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जो लोग हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, कह देते हैं ये शिवलिंग क्या है, क्यों इसकी पूजा न करते। इतना लोगों ने कह दिया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ या कोई वस्तु चढ़ाओ या कोई सामग्री चढ़ाओ तो उसको पान भी ना करें। पर शिव महापुराण की कथा में हमने बारंबार कहा, भले लिखा है शिव पुराण में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु का सेवन कर सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा के साथ में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों को, नर्मदा पुराण, इन पुराणों का भी स्मरण करेंगे तो हम जब भी कहते बात करते हैं कि आपने बेलपत्री अगर भगवान को चढ़ाई हुई उठाई है तो भगवान से कहकर लाना कि भगवान आपकी औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूं, इसको औषधि हमको ये औषधि बनाकर दे दीजिए। एक बच्चे को कोई तकलीफ होती है, एक बच्चे को कोई कष्ट होता है, एक बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको यदि कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले किससे कहता है? अपनी मां से, अपने पिता से। कई लोग इसका विरोध करते हैं कि बताओ सीवर वाले महाराज जी तो जब देखो जब भगवान से मांगने की बात करते तो उसमें एक पत्र आया है, देखिए पत्र में जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से, कहीं बैठे हो तो हाथ लाइएगा, जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से वो बैठे, दोनों हाथ लाते हैं, श्री शिवाय नमस्ते। अब इसमें एक बात बताना कि गलत क्या, इन्होंने कहा अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी हमारी मिठाई की दुकान है और मेरे पति मिठाई का सामान लेने गए थे, 4,000 रुपए का सामान ऑटो में लेकर रखवा दिया था, हम बहुत साधारण गरीब लोग हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, 4,000 का सामान हमने ऑटो में रखवा दिया, उसके बाद मेरे पति गाड़ी लेने के लिए गए तो जैसे ही वापस आए वहां ऑटो नहीं था, फिर बाजार से डबल फाटक से लेकर 3 चक्कर लगाकर देखे ऑटो नहीं मिला, हमारी आंख में आंसू भर गए, पति रोने लगे, 4,000 रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मेरे पति उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे और ऑटो को ढूंढते रहे, तब पता चला कि ऑटो ढूंढते ढूंढते हमने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी हमारा मिठाई का सामान मिल गया। अब इसमें गलत क्या है? भगवान से प्रार्थना करी, कुछ देर बाद वो ऑटो हम ही को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मिठाई पहुंचना था। पत्र में लिखा है ऑटो वाले के आंख में भी आंसू थे, पत्र में लिखा है आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे कि ऑटो वाले की भी आंख में आंसू थे, उसका कारण था कि कोई व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि तू गलत कर रहा है, वहां ऑटो लेकर चले जा, वो कौन था जो बताने पहुंच गए? अब कहते हैं कि मिश्रा जी कहते हैं कि हर चीज भगवान से तुमने मांगना सिखा दी, पेट में दर्द होगा तो बच्चा मां से ही तो कहेगा, पेट में दर्द होगा तो बेटा बाप से ही तो कहेगा, किससे कहेगा?
एक और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारा बच्चा नाली में गिर गया, खड्डे में गिर गया, गटर में गिर गया, पड़ोसी कभी उसका कपड़ा साफ नहीं करेंगे, कभी उसको निलाएंगे नहीं। तुम्हारे बच्चे ने अगर कपड़े में छिछी भी कर दी, गंदगी कर दी, तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार उसको साफ नहीं करेंगे। साफ केवल एक माँ और एक बाप होता है कि गंदे कपड़े में लिप्त बच्चे को खुद ही नहीं लेता है। मेरी औलाद है, उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव, मेरा महाकाल, मेरा कुबेर भंडारी, तुम कितने भी नीचे गिर गए हो, मेरी कंधे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हें कलह से लगा ही देता है। मेरा बाप बाप है, मां मां छोड़ता नहीं। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ कहना है, बैठो, जैसे ही समय होगा आप लोगों को मौका दिया जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। एक पिता एक मां अपने हृदय की, फौजी भाई ने भी पत्र लिखा है, फौजी भाई मैं संगीता चौरसिया लक्षा लक्ष्मी कुंड मेरा नाम प्रवीण देवड़ा, आर्मी में हूं मैं, पटियाला कैंट पंजाब से आया, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश नीमच जिले से हूं। कहीं बैठे हो दाखिले आते हैं। गुरुजी चरणों को नमन, सभी फौजी भाइयों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मंदसौर में देश के सैनिकों के लिए आपने एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने का कहा था, सभी सैनिक भाइयों ने मुझको 3 दिन की छुट्टी दिलाकर यहाँ पर वंदन अभिनंदन करने भेजा है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, सैनिक भाई पधारे भाई। 4 दिन की हमारे मित्रों ने छुट्टी कराकर मुझे यहाँ भेजा है कि गुरुजी ने कहा है कि एक लोटा जल राष्ट्र की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए भी चढ़ाएं, उनको श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं पड़े, विजय माला पहन कर आए, उसके लिए जल चढ़ा। सारे सैनिक भाइयों को इस सैनिक भाई की सैनिक भाइयों ने एक तस्वीर भी भेजी है, हाथ से बनाई हुई तस्वीर सैनिक भाई ने जोरदार ताली बनाई है। साधुवाद सारे राष्ट्र के सैनिकों को मेरी ओर से प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। ये सुख है हमारे जीवन का, ये आनंद है हमारे जीवन, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप दिल से कहें उसको, तो दिल से सुनेगा, वो सुनता भी है, आप कहें बस विश्वास करते। जिन मित्रों ने 4 दिन की छुट्टी कराकर सैनिक भाई को अपनी ओर से सबको ओर से भेजा है, उसको उन सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत। श्री शिवाय। नमस्ते। बहुत बहुत महाराज विश्वनाथ बाबा की धरा की ये कथा कह रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग देखकर ये मन में कभी लेकर मत आओ कि इसका मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, पांव कहाँ है, ये कहाँ है। हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें तो इतना ज्ञात करना है कि शिवलिंग में शंकर बसा हुआ है, जो नीचे जलाधारी है, पीठिका है, जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी हैं, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जिस कलश में से गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, गौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं जो निरंतर भगवान शिव के साथ में निवास करती हैं। ऐसा मेरे शिव का आनंद है, बस हमें इतना जानना, बाकी क्या हमें उससे मतलब नहीं है, दुनिया कुछ भी कर, दुख आएगा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने आए ना आए, पर आप विश्वास रखकर एक बार दिल से उसको पुकारना और दिल से कह देना, बाबा तेरी जरूरत है, मेरे शंभू तेरी जरूरत है, तुम्हें आना है। और दिल से अगर पुकारा है तो वो दिल से सुनेगा, बस इतना ही आपने कह दिया ना। पंचाक्षर मंत्र का ही जाप कर लिया, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय, या बोल लिया श्री शिवाय नमस्ते, दिल से कहा, दिल से प्राप्त मिल गया। हम क्यों आप लोगों को कथा के बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं, उसका कारण है शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो आधे पाप तुम्हें नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख दर्शन से ही। बैंक की
जो बुक होती है उसको कहते हैं बैंक की पासबुक। क्या बोलते हैं जम के? तो बोलो जरा, काशी वालों मालूम है ना, जो बैंक की बुक है उसको लिखा होता है बैंक की पासबुक है। पर माना जाए तो बैंक की पासबुक कम, रिश्तेदारों को पास बनाने की बुक है। जितना उसमें माल ज्यादा होगा रिश्तेदार उतने पास आते। बैंक की पासबुक को देखकर परिवार कुटुंब रिश्ते नाते मोहल्ले वाले पास आते हैं और हाथ में अगर पासबुक की जगह पर शिव पुराण रामायण और गीता है तो मेरा महादेव पास में आ जाता है। बहुत अंतर है दोनों में। बैंक की पासबुक देखकर माल देखकर हमारे रिश्तेदार हमारे पास आएंगे और गीता रामायण शिव पुराण देखकर वो वैकुंठ अधिपति हमारे पास में आएंगे, महादेव मेरे पास में आएंगे। उस बुक को देखकर कि तुम क्या रखे हो अपने पास में, क्या धारण कर रहे हो आप अपने पास में, क्या रख कर बैठे हो आप। शिव कथा का भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान शंकर का सिर देखना चाहता हूं, तो वो ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु से कहा आप कहां जाओगे? भगवान नारायण बोले मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने तो परमात्मा को देखा अपने पिता को मैं जानता हूं। कितना गजब का संवाद है, मेरा आप सबसे निवेदन इस संवाद पर ध्यान रखना थोड़ा सा। कितना गजब का संवाद है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं मेरे पिता को अच्छी तरह से जानता हूं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये भगवान विष्णु ने जो कहा ये शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए जिस समय पर तुमको ज्ञान देने वाली चंद्र घंटा जब तुम्हें ज्ञान देती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती है, तुम्हारे बड़े भैया को तो इतना चाहती है तुमको रोटी भर नहीं चाहती, तब तुम्हें भगवान विष्णु के इस शब्द को बोलना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हूं। सुन ले जगदम्बा काल रात में कुष्मांडा, इतना मत बोल देना नहीं तो त्रिशूल हाथ में। इतना बोल दिया ना तो क्या कल्याण बैठो, इतना थोड़ा। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अपने पिता को जानता हूं, अब तुम बताओगे कि मेरे पिताजी कैसे, तुम बताओगे कि मेरे पिता का सिर कहां है, तुम बताओगे कि मेरे पिता के चरण कहां है, मैं तुमसे पूछूंगा। सारी दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर केवल एक जगदम्बा ऐसी होती है जो हमेशा गलती छाती है। तुम्हें तो अकल ही नहीं, तुम्हारे दोस्त को देखो भले वो कैसा ही हो, उसको देखो कितनी मेहनत करता है, कमाता तो है, कितना आगे बढ़कर काम करता है, और उसकी धर्म पत्नी उसको कोस रही है। तुम्हारे दोस्त को देखो वो इसको दूर के ढोल, जरा अच्छे से बोलो काशी वाला, जरा जोरदार बोलो दूर के ढोल सामने नजर आते हैं, हमें लगता है कि वहां ऐसा नहीं नहीं नहीं, आप भीतर से रचिए। आप लोग कहते हैं साहब विदेश जाएंगे तो ऐसा होगा, विदेश में एक बार मौका लगे तो जाइएगा विदेश में ऐसा। हम कहते हैं वहां जाने से अच्छा है एक बार विदेश में रहने वालों से भी निवेदन है एक बार मेरी मातृभूमि भारत की गोद में तो आकर देखिए। तब जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग विदेश जाएंगे, हाथ तो उठा रहे हैं, जो लोग विदेश घूम के आए सब उठा लो, जो बोले आप लोग विदेश गए थे, जहां भी गए थे अमेरिका हालैंड जहां इंग्लैंड जहां गए थे, तो वहां जाकर तुमने इंग्लैंड की मिट्टी को अपने सिर पे लगाया, हालैंड की, अमेरिका की, यूरोप की नहीं, चीन की नहीं, पर विदेश से जो भारत की भूमि पर आता है और भारत की भूमि पर गंगा के तट पर जब आता है तो गंगा के तट की भूमि को अपने मस्तक पर रख कर जाता है, यह वो भारत। ये वो भारत। अरे भाई चरण कहां है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्या देखना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले मैं सिर देखने जाता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? आप भी कुछ चरण ढूंढने के लिए जाइए। भगवान विष्णु अपने ब्रह्मदेव को समझाने के लिए चरण ढूंढने के लिए गए, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर लौकिक रीति करने के लिए संसार के लोगों को समझाने के लिए नीचे की। जब कोई नहीं समझता है करना पड़ता कुछ नहीं, गए नीचे नारायण नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, चरण नहीं मिले वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए थक गए, उन्होंने कहा कपन को थकान भी हो गई पर भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी के फूल को तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा फूल तुम नीचे चलो मेरे साथ में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शिवलिंग का छोर मिल गया। केतकी के फूल ने पूछा मैं नीचे जाके झूठ बोलूंगा उससे मेरा फायदा क्या होगा? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाते
सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाऊंगा और सुगंधित बना के दूंगा। केतकी के फूल ने पूछा, यदि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो? ब्रह्मा जी ने वहीं से गौ माता निकलकर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया। कहा, मां रुकिए, गौ माता तुम्हारे साथ, चलो भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दो कि यहां ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिल गया। कल कोई कह रहा था काशी 5 कोस की, कोई कह रहा था कि काशी इतनी बड़ी है, इतनी फैल गई है। शिव महापुराण की कथा और भागवत, इन दोनों को उठाकर देखना। भागवत जी में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों से कह दिया, सब गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ। सब आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, और आज भी दुनिया के लोग गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाते रहते हैं। तो किसी ने पूछा, पर्वत क्या 7 कोस का है, 21 किलोमीटर का है? पर भागवत कहती है, पर्वत 7 कोस का नहीं, मेरे गिरिराज बाबा का पर्वत। तो जो आता जाता है पर्वत खेलता चले जाता है, उसी तरह ये काशी है। ये कोई 5 कोस 7 कोस 11 कोस 21 कोस नहीं, ये तो मेरा विश्वनाथ का राजधानी है। जितने आना है आते चले जाओ, मेरा विश्वनाथ उतना फैलते चले जाता है। ये विश्वनाथ उतना फैलते चले जाता, पहले छोटा सा था मंदिर, धीरे धीरे विश्वनाथ ने देखा कि मेरे बच्चे बढ़ गए, उन्होंने मंदिर और बढ़ा लिया। फिर उन्होंने देखा मेरे बच्चे और बढ़ गए, उन्होंने और बढ़ा लिया। और बच्ची कुची थी स्कंद पुराण की लीला, वो भी थोड़े दिन में निपटा देगा, वो भी थोड़े दिन। अब थोड़ी बहुत बच्ची कुची है, स्कंद पुराण पूरी करना है। अपन स्कंद पुराण में इतना पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ रह जाए, लोग आएंगे, बच्चे पूछेंगे, हमने स्कंद पुराण में ये पढ़ा था, सियर वाला मारा तो छाती ठोक के बोला था कि वहां पर ये, तो वो कहां गए? तो बता, बाबा ने कहा तो चिंता मत करो, जैसे जैसे काशी बढ़ती ये मेरे बाबा का आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहा है। खाली नहीं रह गई, उसका नाम है विश्व, जमके बोलो जरा, विश्वनाथ। जहां पर कोई अनाथ नहीं, कोई अनाथ। धन्य काशी की धरा, धन्य विश्वनाथ बाबा की धरा, धन्य मानपूर्णा की धरा। सारी दुनिया के मंदिर देवालय सब दूर घूमकर आए, पर विश्वनाथ की भूमि पर आकर देखा कि अन्नपूर्णा माता का ऐसा भंडारा सवेरे 9 बजे से चालू होता है, रात के 9 बजे तक। सेठ आए चाहे गरीब, कोई रुपया नहीं, जाओ जीमो और भगवान के होकर अपने अपने घर जाओ। और जगह चले जाओ, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 25 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 10 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। कोई अन्नपूर्णा माता के टोकन की जरूरत नहीं, आप आए हो माता अन्नपूर्णा के पुत्र हो, भोजन करो जाइए, ये पेट भरती है मानपूर्णा, इसलिए इसको काशी कहते हैं, इसलिए काशी कहते हैं, पेट भर रही है, कोई खाली नहीं, इसीलिए कहते ना बम बम बोल रहा है। कई लोग बड़े चक्कर में रहते हैं, कई लोगों के मन में रहता है कितना ट्रॉफिक है, इतना ट्रॉफिक, इतना ट्रॉफिक, कैसे फंस गए हम तो, अगली बार दर्शन करने के लिए मैं तो भैया जब खाली समय होगा तब आएंगे। तो जरा विचार करो, इतने ट्रॉफिक में भोलेनाथ ने तुम्हें फंसाया क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तेल घी का सामान खा खा के तेरे शरीर में नाड़ियों भी चोक हो गई, ट्रैफिक जाम हो रहा, थोड़ी देर जैसे मेरे मंदिर में आने के लिए जाम में फंसा रहेगा, जाम धीरे धीरे क्लियर होगा, तू मेरे पास आएगा, मिलने की ललकता बढ़ेगी। उसी तरह जितने धीरे धीरे जाम क्लियर होते चले जाएंगे, मेरे पास तक आएगा तो ये फेफड़ों की नलियां भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो टेंशन वेंशन थोड़ा इंतजार तो करो तुम लोग, बस चिल्ला के कहती इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम, क्यों लगाया जाम, क्यों लगाई, अच्छा ही देखो ना, चीज पर आदत पड़ी है ना हमारी बुराई देखने की, बाप रे इतनी भीड़, राम महाराज। वापिस भगवान विष्णु ब्रह्मा जी गाय माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, नीचे आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको सिर मिल गया, छोर मिल गया? ब्रह्मा जी ने बोला, मैं बात बताऊंगा, पहले आप बताओ, बड़े हो, पहले बड़ों को बताना चाहिए, आपको चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए शिवलिंग में से आकाश वाणी हो गई, नारायण तुम्हारा नाम आज से सत्य नारायण होगा। सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा आप ध्यान से सुनना।
पांच अध्याय, पांचों अध्याय में ब्राह्मण के घर पर कथा होते देखी, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान की पूजन करी, राजा ने कथा सुनी पूजन करी, सेठ व्यापारी साहूकार ने कथा सुनी पूजन करी, पर पूरी कथा में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि वो कथा थी कौन सी, जो लक्कड़हारे ने सुनी थी, जो साहूकार ने सुनी थी, जो ब्राह्मण ने सुनी थी, वो कथा थी कौन सी। पंडित जी ने पांच अध्याय तो बचे पर उसमें बोला कि इनने ये कथा कराई और ये कथा सुनी, तो वो कथा थी कौन सी। स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान ने सत्यनारायण भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम नारायण रखा। ये जो भगवान शंकर की शिवलिंग के प्रकट होने की जो कथा है और भगवान का नाम नारायण से सत्यनारायण होने की कथा है, यही कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है जिसको पांच अध्याय में वर्णित किया गया। ये वही कथा और सुना भगवान देवाधिदेव महादेव ने तुरंत नारायण का नाम सत्यनारायण रख दिया। तुम सत्य बोलते हो, तुम्हारा नाम सत्यनारायण है, पदवी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, नारायण से सत्यनारायण हो गए। और ब्रह्मा जी आपको क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिला। ब्रह्मा जी बोले हाँ, ना मानो तो पूछ लो केतकी के फूल। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत प्रमाण लेकर चलते हैं। थोड़ा बतनी साहब तुम इनसे पूछो होते। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले क्या है, आपका फोटो दे दो। गुरुजी ने कहा फोटो का क्या करेगा, दुकान में लगाऊंगा। दुकान में लगा के क्या करेगा, गुरुजी बस दे दो आप। गुरुजी ने कहा दुकान में लगा के करेगा क्या, ये तो बता। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है झूठी। तो गुरुजी ने पूछा किसकी खाएगा, बस तुम्हारे फोटो की। गुरुजी ने कहा रेंदे तू तेरे हाथ जोड़ो, तू तो जा, नहीं देना फोटो, नहीं देना। अब वो ऐसा विचार करिएगा, बहुत पत्रिकाओं में गणेश जी का फोटो बना होता है, मैगजीन में ये फोटो बना होता है, वो फोटो बना होता है। कभी विचार करो अपने पूर्वजों का फोटो छाप के रखा और नाली में पड़ा दिखे तो कैसे तुमको मन में आएगा, अरे मेरे भगवान पिताजी का फोटो नाली में, माता जी का फोटो नाली में। भगवान का फोटो तो छाप दिया और नाली में जाए तो उठाने को तैयार ना, उसमें श्रेष्ठता था, उसमें आनंद था। केतकी के फूल ने कहा कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का छोर मिल गया। शंकर भगवान क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया, रे केतकी के फूल मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया तो 100 गौ हत्या, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा, आप बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला। क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है। गौ माता ने कहा हां। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का मस्तक मिला। आ गया क्रोध मेरे देवाधिदेव महादेव, कह दिया ये गौ माता झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है, माता है और तू झूठ बोल रही है क्यों। अगर जगत की मां झूठ बोलेगी तो अच्छी बात नहीं। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को निंद्रा आ गई थी, शिव जी ने पूछ लिया था पार्वती जी क्या तुमने कथा पूरी नहीं सुनी। पार्वती जी बोली कथा तो सुनी पर मेरा मन वृंदावन चले गया। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव कथा कर रही है भगवान ब्रह्मा जी गौ माता के सम्मुख में। गौ माता ने झूठ कह दिया कि भगवान नारायण ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिला है। आकाशवाणी हुई, गौ माता को श्राप दिया,
हे गौ माता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर जिस मुख से तुमने झूठ बोला है तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। इतनी बड़ी बात है, सनातन धर्म के अंतर्गत सारी परिक्रमा आगे से होती है, सारा दान आगे से होता है, पर गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, और गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने मुख से झूठ बोल दिया था, इसलिए सामने से दान नहीं होता, सामने से परिक्रमा नहीं होती, पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। अब जरा विचार करिएगा, गौ माता ने झूठ बोला तो आज तक गौ माता का दान पूंछ पकड़कर किया जाता है और सामने से परिक्रमा नहीं होती। तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो तो तुम्हारा क्या होगा कलिया? सोचिए, विचार करिए, जरा भाव जरा सम्मुख में लेकर क्या हुआ? कितना झूठ, कितना झूठ बोलकर कहा सम्मुख में। शिव कथा करे, ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने पांव के नख को तोड़ा, नख तोड़कर फेंका, फेंककर काल भैरव को प्रकट कर दिया। जिन काल भैरव का दर्शन काशी में होता है, ये वही काल भैरव भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा और भगवान शिव ने कह दिया, काल भैरव काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है इसका यह सिर काट दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, हम जब एक बार झूठ बोलते हैं तो हमारा पुण्य समाप्त होने लगता है, कटने लगता है। पुण्य समाप्त होना, पुण्य की समाप्ति होना चाहिए। जब हम झूठ की ओर बढ़ते हैं, झूठ की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा पुण्य, हमारा व्रत, साधना, उपास, भजन, कीर्तन, ये समाप्त होने लगता है। महाराज ब्रह्मा जी, तुम झूठ बोले हो, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, सिर कटा हुआ लुढ़कते 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 चला, ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। कौन सी नदी प्रकट हुई है? कर्मनाशा नदी जब प्रकट हुई तो कहा, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है कर्मनाशा, ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है, इसलिए इसका स्पर्श, इसका छींटा भी अगर शरीर पर पड़ गया, हमारी जिंदगी में हमने जो सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, वो सारे कर्मों को नष्ट कर देगी यह कर्मनाशा नदी। उसका नाम ही कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म को नष्ट, अच्छे कर्म को जो नष्ट। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के आगे हाथ जोड़ी स्तुति कर, निवेदन किया, हे शिव, हे ओबरी। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, काशी की ये शिव महापुराण की कथा करती है, इन तीनों में कोई भेद नहीं। जो 24 घंटे राम नाम का जाप करते हैं, 24 घंटे राम की भक्ति में डूबे रहते हैं, 24 घंटे जो भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं, 24 घंटे जो देवी की आराधना करते हैं, देवी की भक्ति में डूबे रहते हैं, 24 घंटे जो भैरव की आराधना करते हैं, भैरव की भक्ति में डूबे रहते हैं, 24 घंटे जो शिव की आराधना करते हैं, शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके भीतर जो बसा हुआ होता है आपके चेहरे पर वो झलकने लग रहा है, ये निश्चित है। आपके भीतर जो भरा हुआ होगा, आपके भीतर जो समाया हुआ होगा, आपके भीतर जो भरा हुआ होगा वो आपके चेहरे से झलकेगा। जो देवी की आराधना में लगे रहते हैं, देवी का स्मरण करने लगते हैं, जो माता रानी का भजन पूजन करते हैं, 24 घंटा माँ की आराधना में लगे रहते हैं, उसके चेहरे पर माता की एक झलक आ ही जाती है। जो राम का भजन करते हैं, राम की एक झलक आ ही जाती है, कृष्ण का भजन करने वालों पर कृष्ण की झलक आ ही जाती है, शिव का भजन करने वालों पर शिव की झलक आ ही जाती है। बस वो भजन, वो पूजन, वो आराधना, भगवान की भक्ति, बस इतना स्मरण जरूर हो कि छल से ना करा गया हो, छल से नहीं करा होगा तो ये निश्चित है आपके भीतर वो परमात्मा झलकेगा, निश्चित। वो कहते हैं ना, तेरी सूरत में देखूं नगीना में, बाबा आओगे कौन से महीना,
हम भगवान की आराधना को जब करें तो हम जिसका भजन कर रहे हैं, हम जिसका स्मरण कर रहे हैं, हम जिसका कीर्तन कर रहे हैं, जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, वो झलकता है, सम्मुख आता दिखेगा, सम्मुख आए महाराज, समय आया, वो सामने प्रकट हो, सम्मुख में आए, ये आपकी भक्ति का बल है, ये आपकी भक्ति का स्मरण है, ये आपकी भक्ति का प्रबल बल है। महाराज शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस घड़े में जल भरा होगा वो घड़ा जल का झलकेगा, जिसमें तेल भरा होगा उसका तेल झलकेगा, जिसमें डीजल या पेट्रोल भरा होगा डीजल पेट्रोल झलकेगा, जिसमें घी भरा होगा घी झलकेगा, जिसमें दूध भरा होगा दूध झलकेगा। शिव पुराण कहती है जिस मनुष्य के भीतर जो भरा होता है वो झलकता जरूर है, अगर अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा, पाप भरा होगा तो पाप झलकेगा, और पुण्य भरा होगा तो पुण्य झलकेगा, भजन भरा होगा तो भजन झलकेगा। आप इतनी संख्या में आए हो काशी की पावन धरा पर, गंगा के घाट पर, कितनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, आपके भीतर जो भजन भरा हुआ है, आपके भीतर जो स्मरण भरा हुआ है, आपके भीतर जो मंत्र जाप भरा हुआ है, आपके भीतर जो नाम जाप भरा हुआ है, जब भजन होता है कीर्तन होता है मंत्र जाप होता है तब झलकता है, तो सम्मुख में लगता है कि आपके भीतर वो भरा है, तो झलक रहा है जो है सम्मुख में प्रकट हो। शिव कथा का भगवान शिव की आराधना भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ गिरा पड़ा है, ब्रह्मा जी का सिर पड़ा है, और जब ब्रह्मदेव के सिर को देखा मस्तक को देखा तो ब्रह्मा के सिर को देखकर उसी समय पर कहा भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ नमन कर प्रार्थना करी निवेदन करा हे प्रभु हे दयालु कृपा करुणा दया। भगवान ने पूछा क्या बात है, बोल गंगा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की। जब देखा प्रार्थना प्रभु दया करिए, भगवान शिव ने पूछा क्या बात है नारायण क्या हुआ, भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु ये ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर गिरा हुआ है, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए, आप उदारता कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो नारायण, भगवान विष्णु ने कहा केवल इतनी कृपा करो ये कटे हुए मस्तक का लोग अपमान ना करें, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उसी समय पर कृपा करी और शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए मस्तक को वटवृक्ष बना दिया, बड़का पेड़ बना दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा सुनो नारायण ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर वटवृक्ष बनेगा, इस वटवृक्ष के नीचे कोई बैठे चाहे नहीं बैठे, मैंने ब्रह्मा जी के मस्तक को वापस पूज्य बनाया है, तो मैं इस वटवृक्ष के नीचे विराजमान मिलूंगा। शिव जी ने कहा मेरा नाम बटकेश्वर महादेव रहेगा, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। पहले भी आपको कहा जब कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, वैसे तो कर्जा करना नहीं चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी भर कर्जा कर लिया और कर 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 के जा उसी का नाम कर्जा है, जिंदगी भर जोड़ जोड़ा कर्जा ले लेकर रख लिया, किस्त भर भर के मर गए, कर कर के चले गए, तो उसका नाम ही कर्जा है, वैसे तो कर्जा लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, जो तुमने कर्जा कोई मंगने आया है तो कहो उसको। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी भिखारी को किसी भूखे को भोजन करा रहे हो तो भोजन कराने की मना नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है उसको भोजन कमाने का तरीका सिखाने में। कितने पूरी काशी में अन्नपूर्णा रसोई में भोजन निशुल्क है, इतने काशी में मठ मंदिर है, सब जगह पर भोजन प्राप्त हो रहा है, हर जगह पर रुकने की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था, आप लोगों से निवेदन है जितने लोग इस पंडाल में ठहरे हैं, हमारा तो निवेदन है गंगा नदी पास में है, रात को पानी आए दिन में पानी आए, तो आपसे भी करवत निवेदन है कि पंडाल में कोई मत सो, बहुत सारे धर्मशाला मठ मंदिर बने हुए हैं, आप वहां जाकर विश्राम करो, कोई मना नहीं करेगा आपको, बस इतना कह देना कि साहब हम शिव महापुराण की कथा सुनने आए हैं, हमको थोड़ा सा सोने की व्यवस्था दे दो, कोई मना नहीं करेगा, ये काशी की पवित्र धरा है, कोई मना नहीं करने वाला, मत सोइए रात्रि का समय है, गंगा का तट है, पानी आ रहा है, आप अपने स्थानों पर जाकर सोइए। तो हमारा तो निवेदन
यहाँ पर बहुत विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ, काल भैरव का दर्शन करने जाओ, कितना कितने मठ मंदिर, कितना भोजन भंडारा चलता है। उसके बाद भी कोई अगर वहाँ सम्मुख खड़े होकर बाबा के दरवाजे पर कोई, कई माताएं कई बहुत लोगों को देखा कि वो भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनसे निवेदन है हमारा, हमारी काशी की धरा को आप ये ना करें। कोई भगत बाहर से आया है, दर्शन करने आया है, उसके पीछे पड़ गए कि देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ये श्रेष्ठता नहीं है। ये काशी की पुण्य धरा, पवित्र धरा, यहाँ अन्नपूर्णा सबका पेट भरती है, तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो केवल किसी स्थान पर बैठकर अगर शंकर का मंत्र जाप कर लोगे ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अन्नपूर्णा खुद मंदिर छोड़कर तेरा पेट भरने आ जाएगा, स्वयं अन्नपूर्णा पेट भरने आ जाएगा। क्यों मांगा? किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, फैलाना है तो देवाधिदेव महादेव के सामने। उससे भगवान विष्णु से कहा कि ये शीश की पूजन, भगवान कहते हैं कर्जा मुक्ति के लिए बटपेश्वर महादेव का पूजन जरूरी है, स्मरण जरूरी है। पहले भी कई उपाय आपको बताए हैं बटपेश्वर भगवान के, कि दही के शिवलिंग का निर्माण कर बड़ के पेड़ के नीचे अगर शिव की आराधना करी जाती है तो कर्जे से मुक्ति होती है महाराज, और गया हुआ पैसा भी हमारा वापिस आता है। वो बटकेश्वर की